साथ जो स्वयं नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गौतम जी टाक की है, और इस पत्रावली का पट्टा भी एकल पट्टा जारी हुआ है। ये सोचने की बात है, उपरोक्त पट्टा एकल पट्टा जारी हुआ है गौतम जी का नाम का और शहर का सबसे पहला एकल पट्टा है ये। सर्वप्रथम शहर का पहला एकल पट्टा स्वयं हमारे अध्यक्ष महोदय के नाम से जारी हुआ। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने प्रेस वार्ता के अनुसार नगर पालिका मेहरता को करोड़ों के राजस्व का हनन हुआ है। मेहरता नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोला है, जब स्वयं पर कानूनी कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि विपक्ष ने अपना दायित्व निर्वहन करते हुए अध्यक्ष महोदय के भ्रष्टाचार का पिटारा खोलते हुए स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को शिकायत कर कुछ फाइलों में जांच के आदेश करवाए। तब वे अपने बचाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाने हैं और दोष नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों के माथे पर मंड रहे हैं। यदि अधिकारी या कोई कर्मचारी दोषी था तो कांग्रेस का शासन होते हुए भी उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 3 वर्ष 6 माह बीत जाने के बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने आम जनता को चंडीगढ़ की तर्ज पर शमशान, शहर में सीवरेज लाइन, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, कांजी हाउस, शहर के मुख्य मार्गों पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरे, कचरा निस्तारण प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कुंडल सरोवर बनने वाली चौपाटी, शहर में बहुत बड़ा बनने वाला घंटाघर, अलग अलग रोड पर बनने वाले द्वार, पिंक सिटी की जयपुर की तर्ज पर बनने वाले संपूर्ण बाजार एक ही कलर में होने वाले, आवारा सांड, आवारा बंदर, ऐसी कई जो कमियां 3.5 साल में जरिए प्रेस के आम जनता को अवगत कराई, उसमें एक भी कदम वो नहीं चल पाए। 40 साल पुरानी जो पानी की पाइपलाइन बदलाई, उस बदलाने के समय भी जो पैसा पीडब्ल्यूडी को मिला था उसका रिपेयरिंग करके और वापस उसको शहर को ठीक करने का, उसमें भी रोड़ा डालकर उस पैसे को वापस पीडब्ल्यूडी से ले नहीं पाए और नगर पालिका को राजस्व का नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार शहर के मध्य वो भी जब बन रही थी उसमें भी कांग्रेस के अच्छे अच्छे बड़े नेता जिनके लेटर आज भी सुरक्षित हैं, उन्होंने उसमें रुकवाने का काम किया। ट्रॉमा सेंटर जो शहर की एक बहुत बड़ी नहती आवश्यकता थी, उसका बजट आया हुआ था, उसका नींव का मर्द हो चुका था, लेकिन आज उसी बोर्ड के लोगों ने या चेयरमैन साहब के कारिंदों ने उसको रुकवाने की कोशिश की। आज प्रेस वार्ता में मैं पवन कुमार परतानी, नेता प्रतिपक्ष एवं मेरे भाजपा के पार्षद और हमारे समर्थक सदस्य पार्षदों द्वारा अध्यक्ष महोदय द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारनामों का खुलासा कर आम जनता को मैं जानकारी अवगत कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम आदरणीय चेयरमैन साहब के कथन के अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रथम जांच हमने जरिए विधायक महोदय के मार्फत दिनांक 15 मार्च 2024 को 3 पत्रावलियों की फाइल जांच स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को भिजवाई, जिसमें पाया गया 19 जुलाई 2023 को स्वयं अध्यक्ष महोदय ने एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट, मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ प्रत्येक प्रमाणित और तथ्यात्मक कॉपियां मेरे पास उपलब्ध है, आप मीडिया जगत मेरे से उसकी कॉपी ले सकते हैं। सर्वप्रथम 19 जुलाई 2023 को एम्पावर्ड कमेटी होती है नगर पालिका की, जिसमें 5 लोगों की कमेटी होती है और उसके अध्यक्ष स्वयं चेयरमैन साहब होते हैं। उस कमेटी में आपकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आपने स्वीकार किया मुंशीतर के की पत्रावली संख्या 493 और 494, जो दोनों पत्रावलियां मास्टर प्लान के विपरीत बनी हुई है और उनको खारिज की जाए और उनको अपनी राशि वापस लौटाई जाए। लेकिन 9 अक्टूबर 2023 अर्थात 2.5 माह बाद पता नहीं उनकी क्या सेटिंग बैठी कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर जारी करके उपरोक्त दोनों पत्रावलियों को पट्टे जारी किए। ये सर्वप्रथम उक्त पत्रावलियों की एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें माननीय अध्यक्ष गौतम जी टाक स्वयं है। इस एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में आपने स्वयं स्वीकार किया कि उपरोक्त पट्टे हम जारी नहीं कर सकते, इनको राशि लौटाई जाए। लेकिन 2.5 माह पश्चात पता नहीं क्या इनकी सेटिंग बैठी कि इन्होंने 493 और 494 नंबर ये दो पट्टे
आपने जारी कर दी। इसी प्रकार अभी जो प्रशासन शहरों के संघ कैंप का अभियान है उसमें 20% डीएलसी के रेट पे कॉमर्शियल पट्टा मिलना चाहिए। जो 20% रेट होती है 40,33,330 रुपए, उसकी जगह पर मात्र 501 रुपए लेकर 40,33,333 रुपए की जगह 330 रुपए की जगह आपने 501 रुपए लिए। सिर्फ 501 रुपए लेकर अपने चाहते पार्षद को पट्टा जारी कर दिया। वो तो हुआ ही हुआ, उसके बाद और दूसरा एक खेल खेला, वो आपको समझना चाहिए। उसके बाद फाइल में पंजीयन शुल्क, जब हम अपना पट्टा लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन कराने जाते हैं तब ये नगर पालिका प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि हमने इस आधार पर इनको पट्टा जारी किया है। उसमें भी हेराफेरी की, पंजीयन शुल्क भी 1,150 रुपए मात्र में करवा दिया, जबकि उनकी पंजीयन की रेट बनती है 18,14,998 रुपए। ये उनको पैसा भरना होता तब वो पट्टा पंजीयन होता था। लेकिन एक ही फाइल में एक ही पट्टों को दो दो प्रमाण पत्र नगरता में पहली बार जारी हुए। एक पट्टा 403 नंबर, उसकी दो दो प्रमाण पत्र, नगर पालिका में अलग दस्तावेज और पंजीयन विभाग में अलग दस्तावेज। मैं आपको कॉपी से तभी बता रहा हूं। जबकि प्रशासन शहरों के संघ 2021 के तहत संयुक्त मार्गदर्शन के प्रश्न संख्या 99 में बिंदु संख्या 10 के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक संपत्ति धारा घोषित्र के तहत जारी पट्टा विलेख एम्पावर्ड कमेटी में अनुमोदन के पश्चात ही जारी किया जा सकता है। इतना बड़ा भूखंड का पट्टा एम्पावर्ड कमेटी में लेने के बाद ही जारी हो सकता है, लेकिन आपने अपने चाहतों को फायदा पहुंचाने के लिए सीधा सीधा 403 नंबर पट्टा जारी किया। उस 403 नंबर पट्टा का जो प्रमाण पत्र, पहला प्रमाण पत्र है बिजली का बिल, पानी का बिल और मतदाता सूची, इसके आधार पर उसका पंजीयन हुआ 1,150 रुपए में। इस 403 नंबर फाइल का प्रमाण पत्र, जिसकी यह कॉपी, शपथ पत्र, इकरारनामा, बेचारनामा, जोधपुर दरबार का पट्टा और जोधपुर दरबार का पट्टा, एक ही पट्टे में दो दो पत्राव लिया, ये कैसे हो सकती है? शहर में 12,000 के करीब उन्होंने कहा मैंने पट्टे बढ़ाए, आपने ऐसे कितने पट्टे बढ़ाए? ये तो जब उन्होंने कहा जांच करवाए, ये तो एक जांच का विषय है और जांच चल रही है, जांच अंतिम चरण में है। 22-23 में अपने पट्टा संख्या 1212 2022-23 में अपने ही परिवार के सदस्यों को मास्टर प्लान की नियमावली, हम कभी पट्टा लेने जाते थे कहते यहाँ मास्टर प्लान में सोपुर रोड है, यह जगह कॉमर्शियल है, यह जगह आवासीय है, हम इसका मोड नहीं बदल सकते, या एम्पावर्ड कमेटी में ले जाना पड़ेगा, घुमाया जाता है। लेकिन उपरोक्त पट्टे में अपने ही परिवार को सदस्य को सारे नियमावली को ताक में रखकर, जिसमें 408.31 वर्ग गज, उसकी भी डीएलसी रेट 6,050 रुपए प्रति वर्ग गज थी, जिसका 20% पैसा 4,93,680 रुपए भरा जाना था, उसकी जगह आपने मात्र 42,754 रुपए जमा कराकर और प्रतिबंधित श्रेणी में भी कॉमर्शियल पट्टा जारी करके राजस्व का नुकसान पहुंचाया। ये पट्टा है, पट्टा नंबर ये जिनको जारी किया, ये सारी प्रमाणित कॉपियां हैं, हम किसी का नाम का खुलासा नहीं करना चाहते। कार्यकर्ता को घोषित कह का पट्टा जारी कर दिया। जो हाईवे की जमीन है उसमें एक नियम होता है 100 फीट रोड छोड़ के हम पट्टा जारी करें, लेकिन आपने उस नियम को ताक में रखकर और उपरोक्त 1401 नंबर पट्टा आपने जारी कर दिया। ये सारे पट्टों में आदरणीय चेयरमैन साहब के भी सिग्नेचर है, ये ऐसा नहीं कह सकते ये अकेले पट्टे हैं। जिसमें पट्टे संख्या 1371/2022-23 2510.56 वर्ग गज अर्थात 22,597 स्क्वायर फीट का पट्टा आपने प्रतिबंधित श्रेणी नाडी अंगोर गोचर शमशान, जो प्रतिबंधित श्रेणी है उसमें घोषित्र कह के तहत जारी किया, और उपरोक्त पट्टा एम्पावर्ड कमेटी या राज्य सरकार की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो 22,597 स्क्वायर फीट का पट्टा या तो आपको एम्पावर्ड कमेटी में लेना पड़ेगा या किसी संस्था को या किसी को देने के लिए आपको राज्य सरकार को उसको अनुमोदन के लिए भेजना पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने अपना निजी हित साधने के लिए, अपने पार्षदों को अपने पास में रखने के लिए उपरोक्त काला कारनामा किया और 22,597 वर्ग फुट का एक पट्टा जारी कर दिया।
जिसमें भी इनके एक साइन है, पट्टा संख्या 1371 और ये इसमें आप साइन दोनों के उत्तम जी टाक के और 1371 नंबर जी 50-50 लाख के नाम की जो मिट्टी भराई का काम उन्होंने किया। लेकिन बड़ी सोचने की बात है, हमको यही पता नहीं हम किसके घर में जा रहे हैं। शाम को हम घर से निकलते हैं स्वयं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें वापस अपने घर पे लौटना है। हम पैसा खर्च करते हैं तो अपने लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन्हें 50-50 लाख की ये जो दो भर्ती मिट्टी भराई का काम, ये दो मिट्टी भराई 50-50 लाख की, उसकी पूरी प्रमाणित नगर पालिका का ये मंच है हमारे पास कि इन्होंने मिट्टी भरी है 50-50 लाख रुपए के उन्होंने पैसे उठाए। लेकिन वो मिट्टी आपने क्या भरी, आपने मिट्टी भरी 2481 खसरा नंबर -5505। ये जगह आज भी वहां पट्टियां लगी हुई है पंचायत समिति के पीछे, जो पंचायत समिति की जमीन है उसमें आपने मिट्टी भरवा दी, मिट्टी भरवाई का कार्य करवाया। 50-50 लाख की दो मिट्टी का, 1 करोड़ का ये टेंडर, सारी मिट्टी भरवाई का है, काटा गया। और ट्रांसपोर्ट के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि सारे ट्रांसपोर्टर्स वहां जाए। और अध्यक्ष महोदय ने अपने पहले कार्यकाल में, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने पहले कार्यकाल में इसी ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों की नीलामी करवाई थी, लेकिन इस कार्यकाल में अपने पद को बचाने के लिए उपरोक्त ट्रांसपोर्ट नगर के पार्क की जमीन, ये लेब आउट नगर पालिका का है, उस ट्रांसपोर्ट नगर का ये पार्क है जिस टाइम ट्रांसपोर्ट नगर निकला था, उपरोक्त ट्रांसपोर्ट नगर के पार्क की जमीन को कब्रिस्तान में तब्दील करवा दिया। बार बार हमने शिकायत भी की, लेकिन उस शिकायत में इन्होंने मौका निरीक्षण नहीं किया, क्योंकि अपने उनको अपना पद बचाना था। एकल हस्ताक्षर से जारी किया, जो नगर पालिका अध्यक्ष ये जारी कब का, अभी बताता हूँ, 20/1/2022 पट्टा संख्या 171 पत्रावली संख्या 407। जो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता के अनुसार एकल पट्टा अर्थात सिंगल हस्ताक्षर को पट्टों को अवैध ठहराया गया, और उन्होंने बताया था कि सिंगल कापी पट्टा दे दिया, अगर अवैध है, यदि उपरोक्त 407 नंबर पट्टा सही है, यदि यह पट्टा सही है तो सभी जारी किए गए एकल पट्टे सही हो सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत ये स्पष्ट निर्देश थे कि यदि किसी पत्रावली पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय 3 दिवस में हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एकल पट्टा जारी कर सकता है। उसी के अनुसार अधिकारियों ने एकल पट्टे जारी किए, जो अध्यक्ष जी पार्षदों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को जारी है वो जायज है, लेकिन जो गरीब परिवारों को जारी किए गए वो नाजायज कैसे हो सकते हैं, को भी पास करवाए। और तो और जो मीरा द्वार पर 50 लाख की लाइटिंग, 50 लाख की 50 पीस जो लगे हुए हैं वो आज तक पर्याप्त रूप से चालू नहीं हो पाए। इसी प्रकार हर दरिद्रता एवं अदूरदृष्टता की वजह से 3 सालों तक कांग्रेस के राज में पूरी शहर की जो पाइपलाइन चेंज कराकर जो जोन बांटे वो जोन इस प्रकार बांट दिए गए कि आज भी दोनों विभागों का जो तालमेल का अभाव था उस अभाव को आम जनता को झेलना पड़ रहा है और पूरा शहर पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहा है। जब तक हमारी सरकार नहीं थी तब हमने कम से कम 54 लेटर नगर पालिका और SDM कोर्ट में ये सारे लेटर हमने दिए, लेकिन हमें कॉपियां नहीं मिली। जब राजस्थान में सरकार चेंज हुई, अधिकारियों के रुख में बदलाव आया, हमें पत्रावलियां मिली प्रारंभ हुई, तब हमें पता चला कि शहर के अंदर सैकड़ों से अधिक संख्या में कॉमर्शियल पट्टे जिनसे वाणिज्य शुल्क वसूला जाना चाहिए था, आपने मात्र 501 रुपए में जारी कर दिए। आपने ये जो 12,000 पट्टों का जो कह रहे ना, दावे कर रहे हैं कि मैंने 12,000 पट्टे जारी कर दिए, जब जांच पाए तब कह रहे मैंने साइन नहीं किए। मैं जो सारी पत्रावलियां मैंने आपको बताई है इनके साइन की ही बताइए, और ये तो कह रहे हैं कुछ पट्टे भर दिए। मैं कह रहा हूं हम विधानसभा में माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा से उनसे मांग कर रहे हैं कि पूरे के पूरे 12,000 पट्टों की जांच करवाएंगे, क्योंकि आम जनमानस गरीब व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य रहता है मेरे सर पे एक छत बन जाए, एक मकान बन जाए, उस मकान के मुझे
रीजनल डॉक्यूमेंट मिल जाए, एक पट्टा बन जाना के बाद में सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहां जमा हो जाते हैं। जब ये पट्टा है वो भी अगर फर्जी है तो आम जनता बेचारा क्या करेगी? वो अपना पैसा जो काली अपना कमाई का जो हिस्सा है, गाड़ी कमाई का हिस्सा, वो उसके साथ कितनी ठगी हो रही है। ये तो और आंध का प्रतीक तिरंगा ध्वज है, उसको एक मजाक बना दिया, जब चाहे चढ़ा दिया, जब चाहे उतार दिया, जब चाहे उसमें टांके लगा के चढ़ा दिया। महोदय ये सारी हरकतें ऐसे नहीं है, हम ये कतई भी सहन नहीं करेंगे कि हमारे देश के जो मान सम्मान के प्रतीक है और उनके साथ उन प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ की जाए। तिरंगा झंडा लगा बहुत खुशी की बात थी और हम सब लोग उसमें शामिल थे, लेकिन बिना जो उसकी एक गाइडलाइन होती है, आपको उतारना है उसको भी सहज सम्मान सलामी के साथ उतारना पड़ता है, चढ़ाना है उसको भी सहज सम्मान सलामी के साथ चढ़ाना पड़ता है और वहां पर अपना जो राष्ट्रगान होता है, लेकिन गए दो कर्मचारी जाके उतार लिया, गए दो कर्मचारी चढ़ा लिया, यह अब हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, राष्ट्र के प्रतीक और मान बिंदुओं के साथ छेड़छाड़ कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सभी बिना प्रमाण के मुद्दे उठाना, हम बिना तथ्य की बात, अधूरी बात जिस प्रकार हमारे चेयरमैन साहब करते हैं, फेंकू बातें हम नहीं करते, हम जो भी बात करते हैं प्रमाण सहित करते हैं। पहले पूर्व में कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की राज्य में सरकार थी और कांग्रेस का बोर्ड था, हमने जो पत्रावलियां मांगी हमें नहीं मिली। जब राज बदला, राज बदलने के पश्चात अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव हुआ, हमारे विधायक महोदय का हमारे ऊपर पूरा वृद्ध हाथ रहा और उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया, हमें जैसे जैसे पत्रावलियां उपलब्ध हुई, बिना पत्रावलियों के हम किस पे आरोप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही फर्क है महोदय, वो अपने पद पर रहते हुए अपने राज में रहते हुए अपने भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए, हम विपक्ष में रहते हुए जब राज में बदलाव आया तब ये भ्रष्टाचार के पुलिंदे हमने आम जनता के पास में। रही बात उन्होंने जो बात की, उन्होंने आपने मूल बात समझी नहीं है महोदय, उन्होंने जो बात की वो बात क्यों की? उनको लगा कि अब जो मेरे ऊपर जांच आ गई है और जांच सर के ऊपर है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात वो तो कह रहे हैं, हमने तो सर्वप्रथम इसकी जांच चालू करी है ना महोदय, सर्वप्रथम 19/7 ये आप पढ़ सकते हैं, 15/3/2024 को राजस्थान सरकार में तीन फाइलों की जांच 15/3/2024 को हमने दी। 15/3/2024 से पहले कभी चेयरमैन साहब ने कहा क्या कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? उसके बाद ही तो परसों ही तो उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारी नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो जांच से बचना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं, कर्मचारियों को घसीटना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है ये सारा का सारा काम आदरणीय चेयरमैन साहब की उपस्थिति में और चेयरमैन साहब के कर कमलों से हुआ। यही तो पार्षद के सुपुत्र को नगर पालिका में ठेके पर नियुक्ति दी, जबकि राज्य सरकार के नियमानुसार किसी भी कर्मचारी अथवा पार्षद के रिश्तेदार को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, जो सरासर गलत है। सुविधा पर नियुक्ति की है ठेके पर। इसी प्रकार एक अन्य पार्षद जो निर्दलीय को अपने समर्थन में रखने के लिए अनुचित तरीके से शहर के मुख्य रोड पर गांधी चौक के पास अवैध रूप से उसका 5 मंजिला बिना इजाजत के भवन निर्माण करवाया जाए। इसी प्रकार पत्रावली संख्या 407, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पत्रावली संख्या 407 जो स्वयं नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गौतम जी टाक की है, और इस पत्रावली का पट्टा भी एकल पट्टा जारी हुआ है। ये सोचने की बात है, उपरोक्त पट्टा एकल पट्टा जारी हुआ है गौतम जी के नाम का, गौतम जी का नाम का, गौतम जी के साइन है, और शहर का सबसे पहला एकल पट्टा है ये, सर्वप्रथम शहर का पहला एकल पट्टा स्वयं हमारे अध्यक्ष महोदय के नाम से जारी हुआ। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने प्रेस वार्ता के अनुसार अभी दिखा देगा वापस आराम से, पट्टा नाम सिंगल साइड आराम से आप कहोगे वैसे करूंगा।